नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फन ट्रिविया हिंदी पर। आज हम जानेंगे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि इनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा भी अद्वितीय है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन मंदिरों के बारे में विस्तार से। हमारी सूची में सबसे पहले आता है श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर, जो केरल के तिरुवंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर अपनी भव्यता और संपत्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की संपत्ति का अनुमान 1.2 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है। यहाँ मिले खजाने में सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों का भंडार है, जो इस मंदिर को विश्व का सबसे अमीर मंदिर बनाता है। दूसरे स्थान पर है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित है। यह मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है और यहाँ हर साल लगभग 650 करोड़ रुपये का दान आता है। इस मंदिर की संपत्ति में सोना, चांदी और नगदी शामिल है। इसके अलावा यहाँ की लड्डू प्रसाद भी विश्व प्रसिद्ध है। तीसरे नंबर पर है वैष्णो देवी मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहाँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने हर साल करोड़ों भक्त आते हैं और यहाँ की आय लगभग 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होती है। इस मंदिर की आस्था और यहाँ की यात्रा के चुनौतीपूर्ण रास्ते इसे और भी विशेष बनाते हैं। चौथे स्थान पर है शिरडी के साईं बाबा मंदिर, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर साईं बाबा के चमत्कारों और भक्तों की आस्था के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की संपत्ति लगभग 3200 करोड़ रुपया है। यहाँ की दान पेटियों में हर दिन लाखों रुपये का दान आता है। पांचवें नंबर पर आता है गुरुवायूर मंदिर, जो केरल के गुरुवायूर में स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार गुरु वायूरप्पन को समर्पित है और यहाँ की धन संपत्ति लगभग 2500 करोड़ रुपये हैं। इस मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे विशेष बनाती है। छठे स्थान पर है स्वर्ण मंदिर, जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यह सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसकी भव्यता और स्वर्णिम सौंदर्य सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की आय लगभग 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होती है। इसके सुनहरे गुंबद और पवित्र सरोवर इसे विशेष बनाते हैं। सातवें स्थान पर आता है साबरीमाला मंदिर, जो केरल के पठान मठी जिले में स्थित है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की आय लगभग 105 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष होती है। इस मंदिर की प्रसिद्ध विशेष रूप से मकरविल्लुकु उत्सव के दौरान बढ़ जाती है। आठवें स्थान पर है सिद्धि विनायक मंदिर, जो मुंबई में स्थित है। यह भगवान गणेश को समर्पित है और यहाँ की आय लगभग 125 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होती है। यहाँ की दान पेटियाँ में हर साल करोड़ों रुपये का दान आता है और यह मंदिर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। नौवें स्थान पर आता है मीनाक्षी मंदिर, जो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। यह देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है और इसकी भव्यता संपत्ति दोनों ही अद्वितीय है। यहाँ की आय लगभग 6 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष होती है। इस मंदिर की भव्यता, वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे विशेष बनाती है।
अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण स्थान पर है श्री जगन्नाथ मंदिर, जो ओडिशा के पुरी में स्थित है। यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और यहाँ हर साल रथ यात्रा में करोड़ों भक्त शामिल होते हैं। यहाँ की आय लगभग 272 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होती है। इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे विशिष्ट बनाती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। इन मंदिरों की भव्यता और संपत्ति वास्तव में अद्वितीय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।